कोरोना महामारी नामक संकट से जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इसकी चपेट में बंगाल के कई इलाके पस्त होते नजर आए। वहीं से बंगाल का ब्रबन्न रोड स्थित यूको बैंक प्रधान कार्यालय भी अछूता नहीं रहा। खबरों की माने तो यूको बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर शेषधारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ताजा जानकारी के अनुसार रूबी के निकट किसी अस्पताल में वो अपना इलाज करा रहे हैं। उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद बैंक में काम कर रहे 500 से अधिक लोगों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बैंक ने बिना ब्रेक लगाए काम को चालू रखा। अब आलम यह हो गया है कि बैंक के अंदर कर्मचारी डर के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि बैंक को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा चुका है, इसके बावजूद बैंक में काम कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जान का जोखिम बना हुआ है। उनमें से न ही किसी का टेस्ट हुआ है और न ही बैंक के उच्च अधिकारी बैंक को बंद करने की फिराक में नजर आ रहे हैं। कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके को या फिर उसकी दुकान को सील कर दिया जाता है, पर ऐसा यूको बैंक में देखने को नहीं मिला। ये वीडियो अगले कुछ सेकंड में दोबारा शुरू होगा। आप इस बीच अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जिसे आसपास के लोगों में दहशत बना हुआ है, इन सब का क्या परिणाम निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर कुछ सवाल चिंता का विषय बने हुए हैं। क्या बैंक के अंदर कर्मचारियों की जान की कोई कीमत नहीं? जब इस महामारी से हर तरफ त्राही त्राही हो रही है, उस वक्त ऐसी लापरवाही क्यों? क्या आने वाले समय में बैंक को इस लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ न्यूज़।